Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing good and thank you so much for clicking on this video. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी जरूर देखना. I'm sure आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है. आज ना मैं इस वीडियो में मैंगो नेल आर्ट बनाने वाली हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत पहले से कमेंट आया था कि दीदी प्लीज आप मैंगो नेल आर्ट ट्राई करो क्योंकि समर चल रहा है. बट ना मैं उस टाइम सोच रही थी यार मैंगो नेल आर्ट मैं अपने नेल्स पे कैसे ही करूँ. मतलब वो आर्ट अगर बनाऊंगी तो वो तो बहुत टाइम लगेगा मेरे लिए, तो मैं टाइम लगेगा मैं बना लूंगी, बट अगर मैं आपको दिखा भी रही हूं तो वो आप शायद देख लो बट शायद आप घर में उसे ट्राई करना पसंद ना करो. तो इसकी वजह से ना तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मैं इसे बनाऊं कि नहीं बनाऊं कि नहीं. फिर मैं अचानक से ना मेरे को ऐसा आइडिया आया, मतलब मुझे बचपन की याद आ गई. जब हम लोग बचपन में ड्राइंग बनाते थे ना मैंगो की, तो वो वाली याद आ गई. तो जैसे ही याद आ गई ना मैं वैसे ही ये नेल आर्ट बनाना स्टार्ट कर दी. तो इसके लिए पहले ना मैंने येलो कलर की बेस नेल पॉलिश लगा ली अपने सारे नेल्स पे और उसे अच्छे से ड्राई कर लिया. उसके बाद एक जगह मैं ना येलो ऑरेंज और रेड कलर को इस तरह से निकाल के अरेंज करा और उसे एक स्पंज से उस कलर को पिक करा और जितनी भी एक्सेस कलर थी उसे निकाल दी और उसके बाद उस स्पंज को अपने नेल्स के ऊपर प्रेस करा. और ये जो मैं प्रेस कर रही हूँ ना, ज्यादा फोर्स लगा के प्रेस नहीं करना है, पूरा हल्के हाथों से प्रेस करना है और आपकी डिजाइन बहुत इजीली बन जाएगी. देखो मैं दोबारा से अपने बाकी के नेल्स के लिए नेल पॉलिश निकाल रही हूँ. पहले येलो निकाल रही हूँ, फिर ऑरेंज निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं अपने रेड कलर की नेल पॉलिश निकाल के एक साथ तीनों कलर को अरेंज कर दूंगी. उसके बाद एक स्पंज की हेल्प से इस नेल पॉलिश को उस स्पंज में पिक करूंगी थोड़ा और उसके बाद स्पंज में जितनी भी कलर होगी एक्सेस कलर होगी उसे निकाल दूंगी. फिर जाके उसे अपने नेल्स पे प्रेस करूंगी ताकि ज्यादा नेल पॉलिश मेरे नेल्स पे ना आए. थोड़ा थोड़ा नेल पॉलिश प्रेस कर करके अपने नेल्स पे लाऊंगी ताकि थोड़ा सा ओम्ब्री लुक आ जाए और जो डिजाइन मुझे चाहिए उस तरह का डिजाइन मुझे मिल जाए. जैसे कि आपने मुझे पूछा था, ये जो बेस नेल पॉलिश मैं लगाई हूँ येलो कलर की, उसे पहले ड्राई करना होता है कि नहीं स्पंज से नेल पॉलिश को प्रेस करने से पहले? तो हाँ, इसे बहुत अच्छे से पहले ड्राई करना है, उसके बाद से ही हमें स्पंज से आर्ट बनाना है. नहीं तो जो हमारी बेस नेल पॉलिश है ना वो खराब हो जाएगी अगर वो ड्राई नहीं हुई रहेगी. तो पहले हमें इसे बहुत अच्छे से ड्राई करना है, उसके बाद ही हमें स्पंज से प्रेस करनी है और उसके बाद ड्राई होने के बाद ही हमें टॉपर लगानी है. और एक कमेंट आया था कि टॉपर लगाना जरूरी है कि नहीं. देखो जरूरी नहीं है, अगर आपके पास टॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाना, ऐसे भी बहुत प्यारी लगेगी. बट अगर आप टॉपर लगाओगे तो एक फिनिश लुक आता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. आप मुझसे पूछते हो ना कि मैं कौन सी वाली टॉपर यूज करती हूँ अपने वीडियोज में, तो देखो मैं तो शुगर पॉप की टॉपर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो टॉपर है शुगर पॉप की तरफ से आई हुई मुझे पीआर के लिए. मैं बता दूं ये अच्छी है टॉपर, बट इतनी भी अच्छी नहीं है. मतलब ये ना स्मज प्रूफ टॉपर नहीं है. स्मज प्रूफ का मतलब ये होता है जब आप नेल आर्ट बना लेते हो और उसके ऊपर जब टॉपर लगाते हो तो वो जो टॉपर होता है ना वो आपके आर्ट को खराब नहीं करनी चाहिए, बट ये वाली जो है ना स्मज कर देती है, मतलब वो खराब कर देती है आपकी नेल आर्ट को. इसलिए ना मैं शुगर पॉप की टॉपर किसी को भी रेकमेंड नहीं करती हूँ. जब भी मुझे कोई कमेंट करता है ना मैं रिप्लाई में बता देती हूँ कि मैं शुगर पॉप यूज कर रही हूँ, बट उन्हें ये भी सजेस्ट करती हूँ कि आप नायका की यूज करो या फिर और कोई ब्रांड की अगर आप देखना चाहते हो तो देखना, बट नायका की जो होती है ना वो स्मज प्रूफ नहीं होती है. और उसके बाद ना मैं सोच रही थी कि मैं आई शेडो से थोड़ा इसके ऊपर रब करूंगी ना तो थोड़ा सा शाइनी लुक आएगा, बट ना अनफॉर्चुनेटली वो वैसा दिखाई नहीं जैसा मैं सोच रही थी. तो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट अपनी शॉर्ट वीडियो में शो नहीं करी थी. तो लॉन्ग वीडियो में मैं ये दिखा दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसे ट्राई करा था. वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना. ओके बाय.